Assalamu alaikum, dear students of 10th class. Sister, today we are going to read the other portion of the short story. Till now we read that Abili is the grandmother of Ruksana. Ruksana is the granddaughter of Abili. Abili is very worried about her granddaughter Ruksana because she always thinks that if ever she hears any news about some procession, some accident or some kind of earthquake somewhere in the world, she thinks that my granddaughter will suffer from it. So she always is very much disturbed, and she always takes Ruksana in her mind whenever there is a situation, whenever there is a dangerous situation, or whenever we think that there is a situation that's not normal. So she always takes Ruksana into her mind. Until now we read it. Now we're going through the other para. We would start laughing, and Abi would admonish us yet again for sending Ruksana to Srinagar. अब बोलते हैं कि हम जब भी जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन थे, इवन हर ओन चिल्ड्रन, दे यूज लॉफ ऑन दिस इशू दैट शी टेक्स रुक्साना इन इन टू हर माइंड एंड कंसिडर दैट शी इज़ इन द सिचुएशन एंड शी माइट फेस सम प्रॉब्लम एंड परहैप्स शी वोंट सर्वाइव इट. और वो हंसते थे इस फिर अबिली पे, और वो फिर डांटती थी. शी वुड एडमोनिश, डांटती थी इनको कि आप ही लोगों की वजह से आप लोगों ने उसको रुक्साना को श्रीनगर भेजा. व्हेन शी एक्सप्रेस्ड हर हेल्पलेस, बोलते हैं जब भी बिल्कुल उसको लगता था कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला है, तो दीज पीपल वी कम्फर्टेड हर सेइंग दैट श्रीनगर इज़ अ माउंटेन रिजॉर्ट दैट इज कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ एंड एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट कश्मीर टू एक्सप्लोर इट. क्या बोलते हैं, फिर हम उसको थोड़ा कम्फर्ट देते थे, उसको बोलते थे कि जो श्रीनगर है ये एक माउंटेनियस एरिया है और एक टूरिस्ट प्लेस है, इसको दुनिया में पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है, ठीक है, जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, और हर साल वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स कम टू विजिट इट टू सी द ब्यूटी ऑफ कश्मीर. वी ट्राई टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट रुक्साना वॉज इन श्रीनगर नॉट आउट ऑफ सम डेस्परेशन बट टू गेट फर्दर एजुकेशन एंड सीक अ बेटर लाइफ. तो हम उसको बोल देते कि रुक्साना जो गई वो किसी परेशानी की वजह से नहीं या किसी चीज़ की वजह से नहीं गई, बट टू एक्वायर मोर एजुकेशन, ताकि उसकी ज़िंदगी अचीव हो जाए. व्हेन वी प्रॉमिस दैट नेक्स्ट स्प्रिंग वी वुड टेक हर टू श्रीनगर टू, अभी फेल साइलेंट. बोलते हैं जब हम उसको बताया कि हम नेक्स्ट स्प्रिंग में मार्च अप्रैल में आपको श्रीनगर ले जाएंगे, तो वो चुप हो गई, खामोश हो गई. इफ़ वी हैड ब्रॉट अप द सब्जेक्ट ऑफ हर विजिटिंग श्रीनगर बिफोर रुक्साना लेफ्ट, शी वुड हैव राइज़न इन एंगर and pursed her mouth declaring I won't leave my children and grandchildren to go anywhere. बोलते हैं कि अगर हमने इसको रुक्साना के श्रीनगर जाने से पहले बताया होता कि रुक्साना को श्रीनगर जाना है, तो इसने डिक्लेयर किया होता कि मेरे बच्चे चाहे पोता पोती हैं वो कहीं भी नहीं जाएंगे पढ़ाई के लिए. श्रीनगर aside, our Abi has not even ventured beyond a distance of 10 miles from our village. बोलते हैं श्रीनगर को छोड़िए, हमारी जो अभी है वो हमारे घर के 10 मील दूर भी नहीं निकली है. 2 years ago, after a gap of 8 years, she had made it to Leh town for the annual Dosmoch festival held every winter to purge the town of ill. क्या बोलते हैं, 2 साल पहले वो निकली थी लेह टाउन के लिए जहाँ पे एक फेस्टिवल था दोसमोच, उसमें विंटर्स में वो हेल्ड किया जाता है. उसमें क्या किया जाए, उसमें गुनाहों को धोया जाता है. दे फील इट लाइक दैट. She saw masked dancers and musicians leading a procession from the palace through the main bazaar. She came across monks burning effigies and making crosses of thread to trap harmful spirits and hungry ghosts of the old year. Go ke sari process isne dekh li, pehle dance dekha, fir dekha log jala rahe hain, putle jala rahe hain, fir monks ko dekha wo kaise they are trying to wash the evil. To सब कुछ वही परगेशन का, ठीक है, प्योरिफिकेशन का चल रहा था वहाँ पे. देयर वॉज मच हसल बसल बट दैट इवनिंग व्हेन अबिली रिटर्न्ड होम शी कुड ओनली कंप्लेन ओह डियर माय हेड इज स्पिनिंग. क्या बोलते हैं, जब लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कियोस थी, लेकिन जब शाम को अबिली घर पहुँच गई उसने एक ही वर्ड बोला कि मेरा हेड दर्द कर रहा है. देयर वेयर सो मैनी पीपल दैट देयर दैट द ब्रेथ वॉज स्क्वीज्ड आउट ऑफ मी, आई विल नेवर गो अगेन. क्योंकि वहाँ पर बहुत रश था तो इसकी जो सांस वो फूल गई होती, या शी कुडंट ब्रीथ प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द हसल बसल बिकॉज ऑफ द रश देयर. तो बोलती है कि मैं आइंदा से वहाँ कभी नहीं जाऊँगी. ड्यूरिंग दोज डेज अ डॉटर ऑफ अ डिस्टेंट रिलेटिव केम टू विजिट अस इन आवर विलेज, शी लिव्ड इन दिल्ली. बोल रहे उन्हीं दिनों एक दूर दराज
रिलेटिव की बेटी यहाँ आई थी हमारे पास, एक हमारे गांव में बैठ रहने के लिए आई। शी लिव्ड इन दिल्ली, वो रहती थी दिल्ली में। अबिली डिड नॉट रिकोगनाइज हर एंड केप्ट स्टेयरिंग एट हर। वी स्टिफल्ड आर लॉफ्टर एंड एंजॉयड आर सेल्व थॉरली। बोलते हैं कि अबिली इसको पहचान ही नहीं पाई, बड़े गौर से इसके सामने जाके इसको देख रही है कि ये क्या। और हम जब से जितने भी सारे वहाँ बच्चे वगैरह थे वो सब हंस रहे थे। फाइनली व्हेन अबी वाज टोल्ड दैट दिस वाज डोलमा शी वाज एस्टोनिश। ला डोलमा, आई वाज वंडरिंग फ्रॉम वेयर दिस मीम साहिब हैड डिसेंडेड अपॉन आवर हाउस। वट काइंड ऑफ क्लॉथ्स हैव यू पुट ऑन। बोलते हैं जब इसको बहुत टाइम बाद इसको जब बताया गया कि ये डोलमा है, तो इसने डोलमा को बताया, बोला ओह, ये बहुत ही हैरान हो गई और बोला डोलमा मैं भी सोचूं, मैं सोच रही थी ये मेम साहब हमारे यहाँ कैसे पधारी है, कैसे आई हुई है, तुमने ये कौन से कपड़े लगाए हुए। डोलमा स्माइल्ड, वेयर हैव यू कम फ्रॉम डोलमा, आई लिव इन दिल्ली अम्मा। तो इसको पूछते कि तुम कहाँ से आई हो, वो बोलती है मैं दिल्ली से आई हूँ। ओह देन यू मस्ट बी मीटिंग रुखसाना एवरी डे। अब बोलती है दिल्ली इज़ अ डिफरेंट प्लेस एंड श्रीनगर इज़ अ डिफरेंट प्लेस बट शी डजंट नो इट। उसको बोलती है तो दैट मीन्स तुम रुखसाना से हर दिन मिलती होंगी। आई लिव ओह देन अम्मा दिल्ली इज़ वेरी फार फ्रॉम श्रीनगर। तो ये क्या बोलती है, बोलती है दिल्ली जो है वो श्रीनगर से बहुत दूर है। हैव यू नेवर मच रुखसाना अबिली साइट इन दिस अपॉइंटमेंट। क्या बोलती है कि क्या तुम इससे कभी नहीं मिली हो रुखसाना से। आई स्पेंट टू डेज इन श्रीनगर ऑन माई वे हेयर, आई ट्राई टू मीट रुखसाना बट कुडंट लोकेट हर हाउस अम्मा। तो क्या बोलती है, बोलती है दैट आई वेंट टू रुखसाना एंड आई कुडंट मीट हर देयर बिकॉज आई वॉज विद समवन एल्स बट कुडंट लोकेट हर हाउस अम्मा। बोलती है मैं श्रीनगर गई हुई थी दो दिन के लिए बट मैं रुखसाना को लोकेट नहीं कर पाई। ओह वॉट हैव यू डन, अबिली वॉज मिफ्ड। तो इसको बोलती है कि इसको गुस्सा आ गया, बोल आप क्यों नहीं मिली, यू वेर इन श्रीनगर एंड कुडंट फाइंड द हाउस ऑफ माई ग्रैंड डॉटर। बोलती आप श्रीनगर गई हुई थी और आप मेरी पोती से नहीं मिली। शी वॉज वेरी एंग्री।